पहाड़ों की इतनी हाइट के ऊपर हमने इमरान खान को ढूंढ लिया। वाह वाह, ये देखिए माशाल्लाह भाई सबको मिलाते हैं। ए ब्रो क्या हाल है, कैसी तबीयत है? ये कंडीशन हो चुकी है, गाड़ियों के इंजन गर्म हो चुके हैं, यहाँ पे लाइट चल रही है, बड़ा जबरदस्त किस्म का मौसम है और बादल भी आ रहे हैं। वो देखो बच्चा क्या हाल है। ब्रो आर यू रेडी फॉर वाओ जाज बांडा? ओके लेट्स गो। इस वक्त हम मौजूद है एनवायरमेंट सो ब्यूटीफुल है, एनवायरमेंट भी अभी दिखाऊंगा। और अभी हम जहाज बंदा जा रहे हैं, वहाँ पे हाइकिंग एरिया भी है, वहाँ पे हाइकिंग करनी है। आई थिंक 2 से 3 घंटे की हाइकिंग है। और इस वक्त हम मौजूद हैं, हम इधर कुमरात व्यू रिजोर्ट है ना, वहाँ पे जहाँ पे कैबिन टाइप मोस्टली बने होते हैं, यहाँ कैंपिंग होती है। तो ये इस तरह आप हम बैक पे दिखाते हैं, ये देखें कि ये जिस तरह कैबिन शैबिन बने हुए ना, इस तरह ये सारे कैबिन बने हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 पीछे इस तरह दूसरी तरफ, और उस साइड पे चले जाएंगे तो कैंपिंग भी होती है। और ये यहाँ का जी व्यू है माशाल्लाह से, अभी अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ठंड थी, अभी थोड़ी धूप निकली तो नॉर्मल हो चुका है। तो अभी पहले सुबह तो हमने पहनी हुई थी ऊपर जो हुडी शोडी थी वही, तो अभी उतार दिया। जैसे अब हम जाएंगे ना ऊपर तो फिर देखेंगे क्या सूरत हाल है, तो उसके बाद देखेंगे फिर के वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऊपर डालनी कि नहीं डालनी, कि वैसे एक अलग हो जाएगा हमारा गुजार, लेकिन नाइट के वक्त हमें यूज करना पड़ेगा। तो ब्रो क्या है दानी, आर यू रेडी? रेडी है दानी, रेडी है दानी, फुल रेडी हो चुका है। तो मैं आपको कमरे की थोड़ी सारा व्यू दिखाता हूँ, कैमरा शमरा खोलते हैं जी। कमरे की इस वक्त हमारी कंडीशन ये बनी हुई है कि हमने क्या किया जी, 6 पर्सन ने हमने कहा नहीं हमने एक ही रूम में रहना है, हमने सारी वहाँ पे ना सेलेक्ट करें। फिर उन्होंने चारों ने रात को मैट्रेस शटर लगा के सारा कुछ लगा दिया, जो 3 पर्सन का एक रूम था, हमने खुद ही एक कमरे में कराया, सब एक कमरे में रहें। तो अभी जी हम जाने की तैयारी करते हैं और साथ आपके साथ सारी मोमेंट्स शेयर करेंगे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। हमने जाने से पहले ये सोचा कि यार ये जिसका जो अराउंड पोर्ट का एरिया ना, ये वाला स्पेशली जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे हम आए। और दूसरा यहाँ पे क्योंकि साथ ही दरिया भी जा रहा है, तो दरिया को भी थोड़ा निकले यार, चश कर लें यार थोड़ा सा पता। फिर क्योंकि ये नीचे आएंगे, 2 दिन बाद हमने नीचे आना है, और ये वाली प्लेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जैसे उस फॉरेस्ट वाला सीन नहीं होता, ये सेम लाइक वैसे ही है। तो हम इस तरफ निकल आए हैं क्योंकि वहाँ पे अभी सारे रेडी हो रहे हैं, तो जैसे ही रेडी होंगे हमें कॉल करेंगे और हम दस्ती बाकी हैं। यहाँ पे एक मैं आप चीज़ बताते चल जाऊँ, कुमरात में एक सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जैज सिग्नल्स चलते हैं, सबसे अच्छी जो बात है। यहाँ पे आप नेटवर्किंग भी यूज़ कर सकते हैं, जैज के अलावा तो कोई और चलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बड़ी स्ट्रगलिंग के साथ पहाड़ों के ऊपर ना अपने वो लगाए हुए हैं कम्युनिकेशन एंड चीने जो भी होते हैं सर्वर। तो अभी उधर चलते हैं, उधर से आपको सीधी ये देखे जी, ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे व्यू है, और पानी की आवाज़ आपको आ रही होगी, बड़ा फास्टली पानी जा रही है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त क्या ब्यूटी है ये देखे, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ना खूबसूरती है जी, और नेचर व्यू है। और जो इस वक्त पानी दरिया का जो रफ्तार बड़ी तेज़ है, और इसकी आवाज़ भी यहाँ पे आ रही है और बड़ी प्यारी लग रही है। और कुमरात वैली सो ब्यूटीफुल साइट व्यू है इसका, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे, हमारी जो सिलेक्शन थी वो बड़ी ज़बरदस्त रही। यहाँ पर आगे जब हम गए थे तो वहाँ पर 1-2 पॉइंट एक ऐसे थे जो कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन वो नाइट होने की वजह से हम उसको कैप्चर नहीं कर सके। तो अभी निकलते हैं जहाज़ बंदा। फाइनली जी इस वक्त हमारा सफ़र जो कंटिन्यूसली है वो जहाज़ बंदा की तरफ, और इस वक्त जिस ट्रैक के ऊपर हम मौजूद हैं ये इसके आने वाले जो भी अपकमिंग होते हैं वादी, वो उसका एक मनाजर बड़ा ही प्यारा आता है जी। ये फर्स्ट टाइम हम इधर आए हैं, और जो साइड से व्यू यहाँ पे मुझे भी बताऊँगा, बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे व्यू है। जैसे भी हम वहाँ पर पहुँचेंगे लोग के ऊपर वो भी दिखाएंगे। अभी जी फाइनली हम ऊपर तो आ चुके हैं, जहाज बंदा साइड पे डेंगी टॉप की इसी साइड पे है। तो अभी गाड़ियों की ये कंडीशन हो चुकी है, गाड़ियों के इंजन गर्म हो चुके हैं, और भी यहाँ पे लाला लोग जो है ना वो उसमें पानी सानी गिरा के उसके ऊपर इंजन के ऊपर रेडिएटर के ऊपर देखिए इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन किया जाए। और यहाँ पे स्टिक भी मिलती है भाई साहब, और स्टिक जो है ना वो तो कहते हैं 100 रुपये की एक स्टिक है, जब आपने ऊपर हाइकिंग करने के लिए जाना है तो आपको मिलेगी। ये देखो अभी इसके ऊपर रेडिएटर के ऊपर ना पॉइंट डाल के लाला इसको टेंडा कह रहा है, टेंडा
ये देखो ना मेरा मुंह, क्या बात है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा जबरदस्त किस्म का मौसम है और बादल भी आ रहा है। वो देखो बच्चा क्या हाल है, गुड गुड। ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत यहाँ पे मंजर है, कुमरात वैली की अपनी ये खूबसूरती है जी यहाँ पे। और अभी आगे हाइकिंग का कोई सिस्टम है वो भी अब देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सामने गाड़ी लगी हुई है और यहाँ पे खच्चर सवारी भी है कि आप उसके थ्रू भी ऊपर जा सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं एक्साइटमेंट बढ़ती चली जा रही है, खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हम इस आगे वाली चीज़ को भी देखने के लिए, वो भी आपको शेयर करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा यहाँ पे आ रहा है, इसका व्यू है, साइड व्यू। अभी बादल भी आना शुरू हो चुके हैं। कल जब हम आए थे ना यहाँ पे तो ये पूरा एरिया जो ना बादल से घिरा हुआ था और बारिश भी हो रही थी, तो अभी भी बादल आना शुरू हो चुके हैं इस साइड से। वो देखें आप, उस साइड से बादल आने शुरू हो चुके हैं और ठंडी हवा भी चलना शुरू हो चुकी है। और रात के वक्त यहाँ पे ना सर्दी होती है जी, उसका भी हम इंतजाम करके आए हैं। A few moments later. Finally, जी हम आ चुके हैं उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे सब ने इकट्ठा होना था। और आपको मैं ब्यूटी दिखाता हूँ माशाल्लाह से, इधर की कितनी प्यारी ब्यूटी है ब्यूटी, ये देखिए माशाल्लाह से जी, सुभान अल्लाह। और अजमल, अजमल क्या हाल, अजमल ने फ्रेशमैन का पूरा बैग जोड़, क्या बात है हमारा, वो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला जी जी, लेकिन ये था कि मैं यहाँ पे खतरनाक रोड, बहुत ज्यादा खतरनाक। हाँ ये वाला जो जिस ट्रैक से हमारे बड़ा डेंजरस ट्रैक है, कलमा पाड़ लिया था बस। हाँ या जिस ट्रैक से हमारे ना रस्ते में इतने दिन बुरे भी रस्ते थे ना, टूटे हुए थे, पथरीले थे, बस अल्लाह का यही कहना था कि हम सेफ्टी यहाँ पे आ चुके हैं। और इस साइड पे अभी हमने जाना है, ये वाला जो पॉइंट ना अंदर वाले वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह से। अभी हमारा सफर हाइकिंग का जो स्टार्ट होने जा रहा है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो खच्चर की सवारी करनी ना जिन लोगों ने यहाँ पे आया करनी है, तो जहाज बनने तक ना 1500 रुपये लेते हैं। अगर आप 1500 रुपये खर्च करना चाह रहे हैं तो आप इस पे जाएं, अदरवाइज आप 11 नंबर पे जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी हमारा सफर का गाज है। ब्रो आर यू रेडी फॉर जाज बांडा? ओके लेट्स गो। हमारा सारा दोस्त लाला लोग, सारा दोस्त मारा जाओ, आओ जो आज आज भी आज आप सब आओ, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। डन 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 डन, इधर ही जाना ना, इधर गलत रास्ते नहीं जा रहे हैं यार। ये देखो गाइस, ये वाला जो सीन है ना यार, कितना खूबसूरत है हमारा, देखो तुझे। आपका एक मसला है, इसको 5 मिनट बाद बैठना पड़ रहा है, कोई मसला नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, माशाल्लाह से जी, जो मुझे लगता है ना कि हमने हाफ से थोड़ा सा ना ग्राउंड पर पहुंच ही गए, सफर तय कर लिया है। और अजमल माशाल्लाह से जी, ये पीछे चोट किया था हमारे से, कितना पीछे थे आप? यार मैं काफी पीछे था, लेकिन फिर ना एक लाला है, उसने मुझे मोटिवेट किया, उसने कहा तुम कर सकते हो, जा सकते हो। उसने एक झूठ बोला, कहता 20 मिनट है। उसने ये झूठ बोल के उसको मोटिवेट किया, ये समझा कि 20 मिनट ही है और ये हम तक पहुंच चुका है। और माशाल्लाह ये देखिए ब्यूटी, आगे 2 घंटे के आगे। और माशाल्लाह से ये ब्यूटी है जी, मुझे लगता है जो ना उस साइड पे हमने जाना है, क्योंकि भाई एक बता रहा था कि वहाँ पे बर्फबारी ना जो पहाड़ है ना वहाँ पे हमने जाना, तो ये देखे माशाल्लाह से कितना प्यारा व्यू है। आधे से ज्यादा रास्ता हमने क्लियर कर लिया है और यहाँ पे एक इन्होंने स्टेइंग एरिया बनाया हुआ है, ये देखिए माशाल्लाह से। और यहाँ पे आप कुछ रिफ्रेशमेंट खा सकते हैं आगे जाने से पहले, आगे कुछ कह रहे हैं कि आधे घंटे घंटे का सफर है, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे। और ये देखें बोतलों का पानी ठंडा किया, बोतलों को ठंडा किया जा रहा है ठंडे पानी के साथ चश्मे के। और यहाँ पे गोरों शोरों को भी स्टे किया जा रहा है, दे रहे हैं सांस, हमें थोड़ा सा फूला हुआ हमारा भी, लेकिन इंशाल्लाह हम ऊपर जाएंगे क्योंकि जहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई आती है वहाँ पे बेसिकली सांस थोड़ा फूल जाता है। और यह जहाँ से हम स्टार्ट किया था वहाँ से चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा थी, अभी आगे आके थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। तो आगे वाला जो पॉइंट इस साइड पे जी हमारा, आगे यहाँ पे चलते हैं नेट से, नेक्स्ट जाके वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि गाइस ये पहाड़ों कितनी हाइट के ऊपर हमने इमरान खान को ढूंढ लिया। वाह वाला ये देखे माशाल्लाह भाई, सबको मिलाते हैं। है ब्रो क्या हाल है, कैसी तबीयत है भाई? भाई अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम हमारा। हाँ यार भाई, आपको कहीं उठा के ना लेके जाए यार। ओए ओए यार, अच्छा अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, है भैया वैसे आपको लोग बहुत ज़्यादा करती होंगे ना, तो ज़्यादा इरिटेट तो नहीं होते, गुस्सा तो नहीं आता? हाय क्या बात है हमारा, आपके साथ तस्वीर भी बनती है हमारी माशाल्लाह से। यार भाई को हमें देख लिया है
और ये इमरान खान से मिलकर इनकी जो सूरत मिलती है, इमरान खान है। ओए उनको पता चल गया फिर क्या होगा भाई, मैं नहीं दसना। A few inches later, finally जी माशाल्लाह से हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट्स के बिल्कुल करीब हैं। वो देखे सामने वो वाला पॉइंट है जी, और हम बिल्कुल पास आ चुके हैं, और इंशाल्लाह हमारे दूसरे दोस्त भी आस्ता आस्ता पहुंचेंगे यहाँ पे, हमें मिलेंगे। तो अभी हम स्टे करेगा यहाँ पे और कुछ खाए पिएगा, और हम आपको यहाँ का टोटल में नज़र दिखेगा, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और स्टे हमारा दो दिन का इधर ही है, और हमने खूब हल्ला गुल्ला करने हैं।